ट्विटर ने हाल ही में एक नया अपडेशन लाया है। इस अपडेशन में भारत के जितने बड़े राजनेता या बड़े एक्टर या खिलाड़ी सभी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। ब्लू टिक हटाने के चलते ट्विटर एक बार फिर से भारत में चर्चाओं में है। अगर आपको ब्लू टिक लेना है तो कई तरह के सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ट्विटर अब पैसे लेकर ब्लू टिक दे सकता है। ट्विटर की नज़र में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। ट्विटर ने भारत के कई बड़े स्टारों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। ब्लू टिक हटाने के चलते ट्विटर एक बार फिर से चर्चा में है। भारत में नहीं, ट्विटर ने यह नियम पूरे विश्व में लागू कर दिया है। रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कई बड़े राजनेताओं से यह सुविधा हटा ली। ट्विटर वह तीन तरह के ब्लू टिक पैसे लेकर देगा। भगवान नीला और हरा भगवा कलर का ब्लू टिक पाने के लिए अधिक चार्ज करना पड़ेगा और इसी तरह हर रंगों के ब्लू टिक खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। टीम इंडिया के कप्तान और रोहित शर्मा के अकाउंट से भी ब्लू टिक हट चुका है। वहीं साथ ही रोहित कुमार सिंह नाम के बने ट्विटर पर अभी भी ब्लू टिक है। इसका मतलब पैसे देकर ब्लू टिक कोई भी खरीद सकता है। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के अकाउंट से भी ब्लू टिक हट चुका है। वहीं ब्लू टिक का हटने से इन बड़े स्टार अब उस सामान्य हो चुके हैं। पैसे देकर अब कोई भी ब्लू टिक का मालिक बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्विटर भारत में ऐसा कदम उठाएगा, जबकि भारत में ट्विटर की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मांग है। वहीं भारत में कई बड़े नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। ट्विटर का यह ठोस कदम कहीं भारत में ट्विटर के लिए ही घातक साबित ना हो जाए। कहा जाता है कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने यह नियम जारी किया है। वह ट्विटर को लेकर आए दिन अलग अलग नियम बनाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने भारत के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान में ठेस पहुंचाया है। ब्लू टिक हटाने के चलते पूरे देश में ट्विटर चर्चा का विषय बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े ऐप को भारत में प्रतिबंध लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत में एक बार फिर ट्विटर के लिए कुछ नियम और कानून लागू किए जाएंगे।